इंडियन मेड हर्मस 900 ड्रोन जो है ये एक बड़ा जो है एक बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है। अब ये जो ड्रोन है इंडिया के जो शहर है हैदराबाद वहां पे बनाए जाते हैं, और इस ये जो ड्रोन है ये इजराइल की हेल्प करते हैं जो इजराइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो है वेज की हुई है। इसराइल की सेना ने भारत की सूरत बेस एक कंपनी है इनसाइड एफपीवी, इसे करीबन 10,000 से ज्यादा एफपीवी ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है। बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है इंडिया और इसराइल की, एंड पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके ऊपर आके बड़ा काम किया। अभी तो रशिया के टुवर्ड से ऐसा ऐसा आप देखें जिन्होंने रिसेंटली रॉक सिस्टम अडॉप्ट किया है, जो क्रिस्टल मेज मिसाइल्स इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किए हैं। इसी मिसाइल से इसराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान की सेना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को इसके बारे में पता भी नहीं लग सका। हमारे देश के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि रैम्पेज मिसाइल के लिए भारत और इसराइल के बीच डील हो चुकी है, यानी भारत के पास भी ऐसी मिसाइल है जिसका हमला लगभग अदृश्य होता है। 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है ये हवा में रह सकता है। सुनने में आ रहा है कि इस ड्रोन ने पूरी की पूरी हिस्ट्री जो इस खत्ते की उसको भी डॉक्यूमेंट किया होगा। कि ये ड्रोन बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, इनकी एक्टिविटी और मूवमेंट इतनी ज्यादा तेज होती है कि साधारण डिस्प्ले पर देखकर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसराइल की सेना भी इन्हें अक्वायर करना चाहती है ताकि इन एफपीवी ड्रोन को वो सुसाइड ड्रोन में बदल सके और उसके बाद इनका इस्तेमाल कर सके वो हमास और हिजबुल्ला के खिलाफ, क्योंकि इसराइल को पता चल चुका है कि आज का युग आ चुका है ड्रोन वॉरफेयर का। दोस्तों, डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की आप जानते हैं इसरो को, इसरो बाद में शुरू हुआ लेकिन इसरो ने कमाल करके दिखा दी, पूरी दुनिया के अंदर इसरो एक चमत्कार से कम नहीं है। इसी तरीके जब भारत ने मिसाइलें बनानी शुरू करी तब लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर भारतीय मिसाइलों की मिसाल दी जाती है, उसके लिए देश लाइन लगाकर खड़े हुए खरीदने के लिए। ड्रोन सिस्टम में भारत थोड़ा लेट आया लेकिन अब भारत के ड्रोन भी तहलका मचा रहे हैं। दोस्तों, इसराइल ने भारत के ड्रोन खरीदे हैं और उन्हीं ड्रोन की वजह से इसराइल जो है वो हमास और गाजा को मिट्टी में मिला रहा है। इन्हीं की वजह से उसने ईरान के ऊपर अपनी पकड़ बना रखी है। दोस्तों, डिफेंस सिस्टम जितने भी हैं भारत के वो एक से बढ़कर एक, आप जानते हैं आर्मेनिया हो गया, ब्राजील अब खरीदने के लिए आ रहा है। मजबूत डिफेंस ही दोस्तों भारत को सुरक्षा दे सकता है और दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर सकता है, जैसे पाकिस्तान के दिल के अंदर भारत का खौफ है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडियन मेड हर्मस 900 ड्रोन जो है ये एक बड़ा जो है एक बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है, ठीक है जी। ये एक आप ये समझ लें कि ये भारत के अंदर ये बहस लार्जली नहीं हो रही लेकिन भारत के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। अब ये जो ड्रोन है इंडिया के जो शहर है हैदराबाद वहां पे बनाए जाते हैं, और इस ये जो ड्रोन है ये इसराइल की हेल्प करते हैं जो इसराइल ने हमास के अगेंस्ट जो वॉर जो है वेज की हुई है। जो हर्मस 900 ड्रोन है ये रफा के अंदर भी इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है जी, और जगहों पे भी इस्तेमाल हुए हैं। और ये आप समझ लें कि इंडियन जो मिलिट्री है ये उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और जगहों पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और इंडिया जो है सिर्फ दैट इज नॉट दी ओनली कंट्री, यकीनन अमेरिकन भी हैं जिन्होंने इसराइल को जो ड्रोन दिए हैं वो इस सारे इलाके के अंदर डिप्लॉयड है, ठीक है जी। 30 घंटे तक ये इंडियन ड्रोन जो है ये हवा में रह सकता है। व्हाई व्हाई अमेरिकन्स वांट पाकिस्तान शेल सप्लाई वेपन्स टू यूक्रेन एंड व्हाई इजराइल एंड अमेरिकन्स वांट इंडिया शेल सप्लाई हमस 900 ड्रोन्स टू इजराइल, बिकॉज जो क्वालिटी में पूरे आते हैं और कीमत में कम होते हैं, काम वही करते हैं। सो अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा, आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी बहुत ज्यादा कि पाकिस्तान यूक्रेन को असला बेच रहा है, मैं इसकी सपोर्ट करता हूं। वो क्यों सपोर्ट करता हूं? देखिए, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है,
What have we done other than being a security state? We are a security state in every sense. तो आपने अपनी सिक्योरिटी बेचनी है ना, और क्या बेचना है? So, अगर आपके पास इतना वेपन पड़ा हुआ है कि आप किसी जंग में दे रहे हैं, तो गिव इट, अर्न द रेवेन्यू. सो सिंपल, इसमें तो वो कोई चीज नहीं है. जैसे मैंने आपको कहा कि वेन इट कम्स टू कि इंडिया को कहा गया कि यूएन जनरल असेंबली में सपोर्ट करें कि इसराइल को कि वो जंग बंदी करे, तो सपोर्ट करते हैं. लेकिन जब ये कहा जाता है कि आर्म्स एम्बार्गो, तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि इसमें उनका अपना इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है. दैट्स इसको आप बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट. ये नेशनल इंटरेस्ट है. अब हर्मस 900 ड्रोन जो है 30 आवर ये हवा में उड़ सकता है, डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है, रिकनेसेंस मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है, एरियल बम्बार्डमेंट के लिए इस्तेमाल होता है. और ये कहा जा रहा है कि ये 2014 में पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है जी. और ये समझ लें कि एक एक किलर ड्रोन है, ठीक है जी. और सुनने में आ रहा है कि इस ड्रोन ने पूरी की पूरी हिस्ट्री जो इस खत्ते की उसको भी डॉक्यूमेंट किया हुआ है. और इसराइल इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करता रहता है एज ए मिलिट्री एसेट, सर्विलेंस के लिए, टारगेट स्ट्राइक्स के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए. अब ये जो अदानी साहब ने बनाए हैं ड्रोन, ये ऑब्वियसली मतलब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपनी बना रहा है, ठीक है जी. ये चीजें आप समझ लें कि ये उनके लिए जरूरी है, ठीक है ना जी. और अगर वो नहीं करते तो ये जो इतने बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है ये किधर करनी है? हमने अमेरिकन से सुना कि अमेरिकन दे यूज टू सप्लाई वेपन्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान इक्वली. व्हाई? उधर भी बेचो, उधर भी बेचो और पैसे कमाओ. कई दफा हमने सुना है जी कि जो अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो क्या करती है, वो सारे टाइम जो इतना बड़े न्यूक्लियर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वेपन्स की, वो क्या करती है उसको, वो कहीं ना कहीं लगे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं. इवन के दे क्रिएट क्राइसिस एट टाइम्स, ये भी हमने पढ़ा. जब एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम बहुत सारी चीजों को करते हैं तो ये भी हमने पढ़ा कि दे क्रिएट ए क्राइसिस, वो एक क्राइसिस भी पैदा कर सकते हैं इस हवाले से, ठीक है. अब इंडिया जो है वो कहता है जी हमने तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है. कैसे बनना है? बहुत कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, ऐसे तो नहीं होगा ना, ठीक है जी. जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो यूएवीज हैं ये सिविल एंड मिलिट्री दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं. अगर आप इसका जो लाइसेंसिंग सिस्टम है जो ड्रोन एक्सपोर्ट का देखें, ठीक है जी. और इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल जो हमें पाकिस्तान को F-16 मिलते हैं तो लाइसेंसिंग सिस्टम है क्या? काउंटर टेररिज्म पर्पसेस. इंडिया क्या कहता था जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान ने गिराया? इंडिया कहता था कि पायदान F-16 इस्तेमाल करते रहे. सो बेसिकली दे वर इंसाइटिंग दी अमेरिकन्स कि आप ये कहें कि भाई आपने तो कहा था कि F-16 जो है नहीं इस्तेमाल होगा,